बट एक्सो ही उनके लिए दिक्कतें बनाती नजर आ रही है। डॉन की तरफ से ट्रिपल आएगा जरूर, बट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा स्नैक्स के द्वारा। एंड अब दूसरी तरफ से यहाँ पे फायदा उठाना चाहती है, बट यू नो व्हाट, जोन के अंदर अभी के लिए मुझे सिर्फ एक ही टीम देखने को मिलती है, नाउ दैट इज गोइंग टू बी एफएससी स्पोर्ट्स। एंड डेडपूल ग्रेनेड लेकर के गए थे शैक के अंदर, एक बार पीपीपी लेना चाहते थे, उन्होंने देखा वहां पे प्लेयर्स नॉकडाउन है, सीधा सारे फिनिशर्स उन्होंने एक्वायर किया। हालांकि ओमेगा को देखिए एचपी थोड़ी सी लो, बट अपने से ज्यादा ओपोनेंट की करी, बट दूसरी साइड से उनको भी शॉट्स आ रहे हैं, स्मोक उनके सामने। ये देखिए क्या कम्युनिकेशन है, ये कुछ और कर रहे हैं, इनके टीममेट्स साथ के साथ इनके लिए चीजें यू नो यहां पर बनाते नजर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन इस समय इस टीम का पीक, अभी भी चार फर्स्ट एड है तो उन क्रेट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बट ओमेगा द लास्ट मैन स्टैंडिंग स्टिल फाइटिंग विद एवरीथिंग ही गॉट, एक प्लेयर को और वहां पर नॉक कर, देखते हैं क्या फिनिश वो निकाल सकते हैं या नहीं। एक और को देख लिया है और देखा है तो डेफिनेटली देख करके ही जाएंगे। एक और अच्छा प्लेयर यहाँ पर टेकडाउन किया है इन्होंने, क्या थ्रोएबल्स का यहाँ पर काफी अच्छा भरमार कर सकते हैं। एक ग्रेनेड डाला जरूर है और मल्टीपल ग्रेनेड डाल रहे हैं, इनके भी ऊपर ग्रेनेड आया, समझ चुके कि नो ज्यादा आगे नहीं जाना है। एक और थ्रोएबल जाएगा, हालांकि ऊपर के एरिया से दिक्कतें हो सकती है, बट ओमेगा उनकी तरफ से जो ग्रेनेड जाता है डेफिनेटली एक प्लेयर को टेकडाउन किया जरूर है। धीरे धीरे जंप एंड पंच करके आगे जा रहे ताकि विजन थोड़ा सा यू नो जो स्टेप्स रहते हैं वो ब्लॉक हो सके। हालांकि अब दिक्कतें हो सकती हैं, ऊपर से एफएस के प्लेयर्स दिक्कत दे रहे हैं, लेकिन यहीं पर अपने लिए फिनिशेस बटोरते नजर आएंगे ये प्लेयर्स। इनको लगा प्लेयर्स और कहीं और हो सकते थे, यहाँ पर थ्री टाइम्स इनके पास एम4 के ऊपर, बट वो मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करता है कि पीछे जोन भी आ रहा है और दिक्कतें रहेंगी। लेकिन ओमेगा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, हालांकि फुल स्टॉप जल्दी लग सकता है क्योंकि इनकी एचपी कम है, तो इनको कुछ ना कुछ करके अपने आपको सर्वाइवल पर रखना ही रखना है, ऊपर गाड़ी पर।